जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की केमिस्ट्री चैप्टर 4 का पार्ट 2 वीडियो, जो कि 12 से लेकर 20 तक का प्रश्न होगा। अगर आप 1 से लेकर 11 तक प्रश्न नहीं देखें, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने सभी प्रश्न को सॉल्व किए थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 12 नंबर प्रश्न को स्टार्ट कीजिए सर। चलिए स्टार्ट करते हैं 12 नंबर। अष्टक नियम क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। अष्टक नियम बोर बियोरी योजना के अनुसार अष्टक नियम या किसी तत्व के अष्टक बनाने के लिए उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। और जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पूर्ण हो जाए, तो जब कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाती है, तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए बुक में, ये कॉपी में। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आयन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जिसमें धन आवेश लगा रहता है, जिस परमाणु में धन आवेश उसे धनायन, और जिसमें ऋण आयन उसे ऋणायन कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न, परमाणुओं में अष्टक को प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्यों होती है। आंसर, परमाणु में अष्टक को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति होती है क्योंकि परमाणु अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अष्टक पूर्ण करता है, जबकि अष्टक जो पूर्ण करता है उसके लिए 8 परमाणुओं जो बाहरी कक्षा में चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, संकेत क्लोरीन 17 जिसका परमाणु संख्या और 35 उसका परमाणु द्रव्यमान का सूचना क्या देती है। तो इसका आंसर, इससे पता चलता है कि ये क्लोरीन जो है ये कौन सा तत्व है, क्लोरीन, और परमाणु संख्या इसका 17। देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या 17 और एवं द्रव्यमान संख्या इसका 35 है। देखिए ऊपर में द्रव्यमान संख्या है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर संकेत यानी सीम कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12, और इसका समस्थानिक जो है एक और कार्बन जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 14, से क्या सूचना मिलती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, से क्या सूचना मिलती है। तो इसका देखिए यहाँ, इससे पता चलता है कि कार्बन के दो समस्थानिक है जिनकी परमाणु संख्या 6 है, दोनों का परमाणु संख्या देखिए यहाँ पर 6 है, किंतु द्रव्यमान संख्या 12 और 14 है। तथा पहले समस्थानिक में कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 6 न्यूट्रॉन, और दूसरा में आपका 8 न्यूट्रॉन उपस्थित है। चलिए देख लिए हैं। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न, कार्बन 14 और CO60 के एक एक उपयोग को लिखें। कार्बन 14 का उपयोग जो है जीवाश्म की उम्र जानने के लिए किया जाता है, और कोबाल्ट जो 16 है का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न, परमाणु संख्या 1, 4, 8, 12 और 16 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और तत्वों की पहचान करें, और यह कौन सा तत्व है। तो परमाणु संख्या जैसे एक का परमाणु संख्या जिसका नाम है हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक होता है या फिर नहीं भी हो सकता है। और परमाणु संख्या 4 जिसका नाम है बेरिलियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.2। परमाणु संख्या 8 ऑक्सीजन 2.6। परमाणु संख्या 12 जिसको कहते हैं मैग्नीशियम, तत्व का नाम 2.8.12, ठीक है। चलिए 16 नंबर 16, इसमें 16 सल्फर है, सल्फर देखिए यहाँ पर सल्फर है 2.8.6। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर, 19 नंबर क्वेश्चन है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या है। सम न्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है किंतु परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न तो बहुत हल्का था, आप लोग उससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसका आंसर इसमें बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा इससे। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि एक्स कोई तत्व का नाम हो गया आपका, परमाणु संख्या 17, प्रोटॉन की संख्या भी 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17। हम जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन यहाँ परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या सभी का सेम होता है, सभी का क्या होता है, सेम ही होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या जब दे दिया निकालने के लिए, जब दे दिया और जब प्रोटॉन की संख्या प्लस जो है न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका द्रव्यमान संख्या। आप लोग उम्मीद है कर लीजिएगा। जय हिंद,
मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए।